तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था. ओम्स लॉ हमने उसको एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रूव करके देखा था, ओम्स लॉ होता क्या है. और इसके अलावा जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था. रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज. Combination of resistances. Look here. We have two types of combination of resistances. First is series combination, and the second one is parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स एंड टू एंड कॉम्बिनेशन. शेप क्या बनती है मुझसे मतलब नहीं है. इमेजिन करो, अगर मेरे हाथ में तीन रेजिस्टेंसेज हैं, तीन वायर है, कंडक्टर्स, हम इन्हें ज्वाइन करना है. मैंने इन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया. दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. मैं इसके शेप को चेंज कर, एंड टू एंड मैं इसके शेप को चेंज कर रहा हूँ, मैंने ऐसे कर दिया. स्टिल ये क्या है, सीरीज में है, क्योंकि अभी भी क्या ये एंड टू एंड है. मैं थोड़ा सा शेप को इसको और चेंज करता हूँ, नाउ लाइक दिस. अगेन अभी भी ये सीरीज में ही है क्योंकि एंड टू एंड है. अगर मैं इसके शेप को ऐसे बना देता हूँ, अगेन अभी भी सीरीज में है. तो जहाँ भी एंड टू एंड कॉम्बिनेशन हो, मतलब एक रेजिस्टर जहाँ पे ख़त्म हो, दूसरा वहाँ से स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन. जैसे देखिए हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के एग्जांपल, जैसे मेरे पास अगर ये रेजिस्टेंसेज है, हमारे पास अगर तीन रेजिस्टेंसेज हैं, एक ये हो गया, ये जहाँ पे ख़त्म हुआ. जैसे हमारे पास अगर मान लो ऐसे तीन रेजिस्टेंसेज हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों को हम दो तरीके से ज्वाइन करते हैं. अगर हमें सीरीज में ज्वाइन करना है, सिंपली एक जहाँ पे ख़त्म हुआ, दूसरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा जहाँ पे ख़त्म हुआ, तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और इसको हमने यहाँ पे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन. दिस वन इज R1, R2, R3. ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है. अब सीरीज में क्या है कि सीरीज में आप एक ही स्विच से, यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया, एक ही स्विच से सारे ऑन होंगे, एक ही स्विच से सारे ऑफ होंगे. आप इन तीनों के लिए अलग अलग स्विचेज यूज़ नहीं कर सकते. फिर सब में एक ही करंट फ्लो होगी. मान लो अगर यहाँ से 3 एम्पियर की करंट यहाँ से चली, तो यही 3 एम्पियर की करंट इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट. वी वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया है, इस वी वोल्ट में से कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा. फिर और क्या समस्या है इसमें, अगर मान लो कोई एक रेजिस्टेंस, अगर ये मान लो मैंने इसके साथ एक बल्ब लगाया हुआ है, इसके साथ एक बल्ब लगाया हुआ है, इसके साथ एक फ़ैन लगाया हुआ, अगर ये वाला फ्यूज़ हो गया, यहाँ से किसी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ से वायर जो होगी, ये वायर डिसकनेक्ट हो गई, नाउ अब करंट आगे नहीं जाएगी, अब करंट आगे नहीं जाएगी, अब क्या होगा, आगे के जो आपके रेजिस्टेंसेज होंगे, आगे का जो रजिस्टर्स होगा, आगे के जो कुछ भी इक्विपमेंट आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये आपका काम नहीं करेगा. जैसे मैं इसको थोड़ा सा मोर एक्यूरेटली दिखाऊं, जैसे मान लो ये मेरे पास ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, और ये एक बल्ब है, तीनों को मैंने सीरीज में ज्वाइन कर दिया है. नाउ व्हाट हैपेंड, ये इस बल्ब का फिलामेंट टूट गया, बल्ब फ्यूज हो गया, अब करंट आगे नहीं जाएगी और ये वाला बल्ब आपका काम नहीं करेगा. जैसे दिवाली में हम जो लड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लड़ी में अगर एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, तो आगे के बल्ब अपने आप काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि करंट आगे जाएगी नहीं. फिर एक ही स्विच से सारे ऑन होंगे, एक ही स्विच से सारे ऑफ होंगे, और फिर आपके पास इसमें अलग अलग कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें से डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस लगा सकें, और करंट सब में एक ही जाएगी, और सेम करंट सब में जाएगी. इसके अलावा टोटल रेजिस्टेंस जो होता है, आगे हम फार्मूले से देखेंगे, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. एज अ रिजल्ट, अगर आपने मान लो ये 100 वाट के तीन बल्ब यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन ये रोशनी बिल्कुल एकदम कैंडल लाइट की तरह देंगे, जबकि 100 वाट के बल्ब हैं. रीज़न इज दैट रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई. रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि मैक्सिमम करंट जो होता है वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाती है. तो इसलिए हम अपने घरों में हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करते, वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें, यही तीन रेजिस्टेंसेज हमारे पास, मैंने इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया, नाउ दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन R1, R2, R3.
एक यहाँ पे मेन स्विच होगी। अब देखिए, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगी, अगर V वोल्ट है तो सब में बाकी V वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस आएगी, लेकिन करंट सब में अलग हो गई। मान लो आई एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है, अब इस आई एम्पियर में से कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, यहाँ पे फाइनली फिर हमें आई एम्पियर की करंट मिल जाएगी। आप सबके लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं, एक स्विच आपने यहाँ लगा दिया, एक स्विच आपने यहाँ लगा दिया, एक स्विच आपने यहाँ लगा दिया, आप जिसको चाहे ऑन कर सकते हैं, जिसको चाहे ऑफ कर सकते हैं, और एक मेन स्विच से सारे ऑन ऑफ होंगे। फिर अगर इसमें मान लो इसके साथ आपने एक बल्ब लगाया हुआ, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों काम नहीं करेंगे, बाकी दोनों काम करते रहेंगे। एंड अगेन पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाती है, एज अ रिजल्ट करंट की आउटपुट आपको अच्छी खासी मिलती है। इसलिए हमारे घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। पैरेलल जैसे मैंने क्या बोला कि एक एंड हमारे पास ये है, इन तीनों के मैंने क्या किया कि इसको एक साथ ज्वाइन कर दिया, इसको एक साथ ज्वाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम दोनों में सीरीज और पैरेलल दोनों का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो एक एक करके हम देखते हैं सीरीज और पैरेलल दोनों का। सीरीज कॉम्बिनेशन पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए, एक सर्किट हम पहले बनाते हैं, आप दो भी ले सकते हैं, मैं इसको तीन लेकर के प्रूफ कर रहा हूं। वी वोल्ट R1, R2, R3, आई करंट यहां से चली, यही सेम आई करंट इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट। अगर आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V लिया है, तो कुछ इसमें चली गई दैट इज़ V1, कुछ इसमें चली गई V2, कुछ इसमें चली गई दैट इज़ V3, एंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V वोल्ट। हमें याद रखना है सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हमें याद रखना है करंट जो होगी, करंट सब में सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगी सब में, पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी डिफरेंट। नाउ हम अब देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या है हमारे पास, V इक्वल टू IR, देन V1 इक्वल टू व्हाट, IR1, I1 नहीं लिखेंगे बिकॉज करंट सब में सेम है, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 वुड बी इक्वल टू IR3, तो V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 विल बी इक्वल टू IR3, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब आप इक्वेशन 1 में इन सारे इक्वेशन के वैल्यू को पुट अप कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5, वट वी के बदले में वी कैन राइट IR, V1 के बदले में वी कैन राइट IR1, IR2 प्लस IR3। आई आप कॉमन ले लेंगे इसमें से, IR I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी सीरीज में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं, ऑब्वियसली द टोटल रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई, एज अ रिजल्ट सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें करंट की आउटपुट काफ़ी कम मिलती है। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, कई नामों से हम इसको जानते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ पैरेलल का केस देखते हैं, अब देखिए वही तीन रेजिस्टेंसेस हम ले रहे हैं और मैंने इसको पैरेलल में ज्वाइन किया, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3।
वी वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, करंट आई, R1, R2, R3। अब ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम होगी, बट जो I करंट गई यहाँ तक तो I है, बट यहाँ पे जाने के बाद कुछ इसमें चली गई, दैट इज़ I1, कुछ इसमें I2, कुछ यहाँ पे I3। तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट इज करंट सब में डिफरेंट हो जाएगी बट पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम। हमारे घर में जो करंट फ्लो होती है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जितने भी स्विचेज इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होती है। जैसे हमारे घर में जो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सारे इक्विपमेंट के लिए, दैट इज़ 220 वोल्ट 230 वोल्ट अराउंड, लेकिन करंट सब में अलग अलग है। फ़ैन है तो अलग करंट कंज्यूम कर रहा है, जो बल्ब है वो अपनी अपनी मतलब पावर के अकॉर्डिंगली सभी अपना अपना करंट कंज्यूम करते हैं। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा, जिसकी पावर कम होगी वो आपको कम करंट कंज्यूम करेगा। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोटल करंट विल बी इक्वल टू व्हाट, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नाउ अब आप देखिए, फिर फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR और I इक्वल टू व्हाट, V/R। इसको इक्वेशन 2 ले ले रहा हूँ मैं। तो I इक्वल टू V/R, तो ऑब्वियसली I2 इक्वल टू व्हाट, V/R2। V1 V2 नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जितनी भी जो करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में सेम होती है। तो I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2 एंड I3 इक्वल टू V/R3। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। अब देखिए अगेन, मैं वही इक्वेशन 1 में बाकी सब की वैल्यू को मैं पुट अप करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, I के बदले में हम क्या लिखेंगे, V/R, I1 के बदले में V/R1, I2 के बदले में V/R2 एंड I3 के बदले में V/R3। नाउ दिस विल बी इक्वल टू V × 1/R, इसमें से सब में से आप V कॉमन ले लीजिए, 1/R1, 1/R2, 1/R3, V से V कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। ऑब्वियसली इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी, जो सबसे छोटा होगा उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे रेसिप्रोकल लेकर के ऐड कर रहे हैं। इमेजिन करो हमारे पास R1 जो है वो 2 ओम है, R2 जो है वो 4 ओम है और ये जो है ये मान लो 6 ओम है। इन दैट केस अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस इसमें से निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। 2, 4 और 6 का आप LCM लेंगे कितना होगा, 12। तो 1/R इक्वल टू 12, ये देखो 2 6 जा 4 3 जा 6 2 जा, 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/12 और R इक्वल टू 12/11, दैट विल बी 1 point something। और सबसे छोटी रेजिस्टेंस इसमें कौन सी है, दैट इज 2 ओम, तो इससे भी कम आ रही है। तो दैट्स वाई जो पैरेलल में क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए हमारे पास इफेक्टिव करंट जो है वो अच्छी खासी मिलती है। करंट को ज़्यादा वर्कडन नहीं करना पड़ता, जैसे मैक्सिमम करंट जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या होगा कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो जाती है, तो यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। फिर सबके लिए हम अलग अलग स्विचेज यूज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।